नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड के काशीपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय से 2.5 करोड़ के 500 और 1000 रुपए के प्रतिबंधित नोट बरामद किए हैं। उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय से करीब 2.5 करोड़ रुपए की पुरानी नकदी बरामद की। पुलिस ने घटना में शामिल दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि भारत में बंद हुई 500 और 1000 की पुरानी नकदी को परिवर्तित करने की प्रक्रिया आज भी चोरी छुपे चल रही है। लोग अपनी पुरानी नकदी को चेंज कराने के लिए विदेशों के भी चक्कर लगा रहे हैं। मामला काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भारत में बंद हुई करेंसी एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में रखी हुई है, जिसके चलते पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जहां पुलिस ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोटों को मौके से बरामद किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद काशीपुर निवासी कुंवर सिंह बिस्त और ऋषिकेश निवासी ब्रजेश डिमरी को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुरानी करेंसी के मामले में शामिल गुरु प्रेम और रणजीत सिंह अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस की पूछताछ में दोनों युवकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से भारी मात्रा में नकदी को लाकर किसी अन्य जगह कम दामों में चेंज किया जाता है। घटना का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के SSP परिंदरजीत सिंह ने बताया कि इन लोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश से नकदी को काशीपुर लाया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही है, जिसके बाद ही पूरे तथ्य सामने आएंगे। ये कुंडेश्वरी रोड जो है, IM रोड कुंडेश्वरी के पास पड़ता है, जो इसमें ये कुंवर सिंह बिष्ट है, इनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है। उसके कार्यालय पर ये जो है 2.5 करोड़ के आसपास करेंसी मिली है पुरानी, और इसके साथ में जो दूसरा ब्रजेश डिमरी एक ऋषिकेश का जो है साथ में अरेस्ट हुआ है। इनके द्वारा ये कलेक्ट कर कहीं ले जाने की कोशिश की जा रही थी। जब पुलिस को सूचना मिली तो दबिश देकर इनको पकड़ा गया है। आगे जो है इनके दो लोग, इन्होंने जो बताया है, जो जिसने इकट्ठा किया है करेंसी को, ये एक तो गुरप्रेम है निवासी यहीं का, और इसका सहयोगी एक और है रणजीत सिंह। तो ये लोग अभी फरार हैं मौके से, और इनको भी जो है जल्दी पुलिस गिरफ्तार करेगी। अभी इनसे पूछताछ जारी है। अभी ये लोग कहाँ ले जाने वाले थे या और इकट्ठी करने वाले थे, और या संभवतः इनको किसी ने इसको प्रोजेक्ट दिया था कि आप इतनी लेके आओ, एक अमाउंट इकट्ठी करो। लेकिन ये अभी इतना जानकारी मिली है कि आसपास के बॉर्डर UP के डिस्ट्रिक्ट से ये करेंसी इन्होंने इकट्ठी की है। इसमें सूत्रधार गुरु प्रेम हमें लग रहा है, जो अभी फरार है, उससे और जानकारियाँ हमको मिलेंगी। देखिए, संभवतः इनको कुछ ना कुछ इसको कम रेट में एक्सचेंज का होगा, कोई ना कोई इनके पास रूट हो सकता है। संभव ये भी हो सकता है कि मतलब किसी ने इनको झांसा दिया हो कि ऐसा आप करेंगे तो मिल जाएगा, बिकॉज अभी इसकी कोई वैल्यू है नहीं, और जिसके पास भी ये होगी वो इजीली दे भी सकता है, मतलब क्योंकि उसके लिए इसकी कोई वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो ये देखते हैं कि ये लोग कुछ है इनके पास कंजम्पशन कराने का तरीका, या फिर ये लोग वैसे ही किसी और वजह से किसी और को ट्रांसफ़र करने के फिराक में थे। तक उसमें तो नहीं आया, उसका भी हम उस एंगल पे भी हम जांच करेंगे कि कहीं बाहर की तरफ तो नहीं जा रही। जी।